उदयपुर की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, जहां 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसी के स्कूल में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। और इस घटना के बाद कल पूरे शहर का माहौल बिगड़ गया और कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। उपद्रवियों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया। वहीं हालात को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी और शनिवार रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। और प्रशासन ने अभी अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश में कहा गया है कि समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक और समस्त राजकीय गैर राजकीय महाविद्यालयों में भी आज 17 तारीख से लेकर और अग्रिम आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है। यानी कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले स्कूल और कॉलेजों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरी घटना उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के भट्टियानी चौहट्टा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। बताया गया है कि हमले में घायल हुए छात्र की हालत बेहद नाजुक है और उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उसकी निगरानी में लगी हुई है। इस घटना के बाद से उदयपुर में तनाव बना है। किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कल शुक्रवार को मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था। इसके बाद समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्रों को चाकू से हमला करके घायल कर दिया और घायल बच्चे की खबर सामने आने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। झगड़े की वजह अभी तक तो खुलकर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जुटे रहे और कड़ी कार्रवाई करने की लगातार मांग करते रहे। उधर उदयपुर SP योगेश गोयल ने बताया है कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज की। 144 इम्पोज करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है, जिस जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे के स्थिति जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अभी हमें हेडक्वार्टर से एडिशनल RAC के रूप में और अदर्स दूसरे पुलिस फोर्स के रूप में जाप्ता मिला है, कंपनियां मिली हैं। और इसके अलावा जो पहले जो उदयपुर में रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ इससे भली भांति परिचित हैं उदयपुर से, उन अधिकारियों को भी हमें एडिशनल मदद मिली है। उनकी मदद से हम रात्रि में और दिन में लगातार अपनी पिकेट्स को लगा रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त पर है। और मैं जनता को इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर, सोशल मीडिया पर फैलती हुई अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बच्चा बिल्कुल सेफ है, अभी स्टेबल है और लगातार उसकी स्थिति इम्प्रूव हो रही है। और कानून व्यवस्था में इस उदयपुर जैसे शहर में, जहाँ आने वाले 2-3 दिनों में हम बड़े त्यौहार मनाने वाले हैं और काफ़ी टूरिस्ट इस शहर में भी आया हुआ है, तो उस दृष्टि से कहीं पर भी जो अराजक तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि शहर में अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कारण क्या था, क्या झगड़ा क्या हुआ था, किस हथियार से हमला किया? देखिए, दो बच्चों के बीच में स्कूल में आपस की जो बच्चों की बातचीत है, उस बात को लेकर के झगड़ा हुआ। उस बात को लेकर के स्कूल में जो इंटरवल के दौरान जो एक बच्चा है, वो नाबालिग है, उसने दूसरे बच्चे के स्कूटी में, जिसके पास कोई एक छोटा चाकू था, उससे उसकी जांघ पे हमला किया। उस बच्चे के जांघ पे हमला होने से और थोड़ा खून बहने से उसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई, लेकिन तुरंत हमारी टीम ने उस नाबालिग बच्चे को और जो और दो लोग संदिग्ध हैं उन लोगों को राउंड अप किया। हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो जिन्होंने आगजनी तोड़फोड़ की, उनमें से किसी को हिरासत में लिया गया? हम उनके खिलाफ भी नामजद करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इस संदर्भ में हम जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं तोड़फोड़ की, आगजनी की, हम निश्चित रूप से इसके अंदर कानूनी कार्रवाई